तालीमी सफर के साथ साथ अपना मुख्तर तारुफ कराइए वैसे मेरी इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा कोई खास ग्रेड्स में नहीं थे मेरे मतलब ये थे कि मेरे कॉलेज के अंदर तो मेरी काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे। अगर मैं दोस्तों से कंपेयर करूँ मैं मतलब कॉलेज की टॉप फाइव पोजिशन के अंदर मैं था और वही बात है कि मेरे कॉलेज में वैसे इतनी परसेंटेज खास आती नहीं थी तो इतना कोई मतलब मुझे बाहर आके फील नहीं हुआ कि मेरे कोई बहुत अच्छे स्कोर्स थे बट ये था कि इतना में काबिल था कि मैं एन के अंदर चुका गया था काफ़ी स्ट्रगल था इंटरमीडिएट के अंदर क्योंकि मेरा कॉलेज इतना खास था नहीं तो मुझे आ, कहते हैं लोग कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप अगर कॉलेज अच्छा ना हो तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत करी तो अच्छी परसेंटेज आ गई और ये कि मेरा एन में एडमिशन हुआ एन के अंदर भी मेरे खात कोई खातर खा कोई ग्रेड्स थे नहीं मैंने काफ़ी पढ़ने के बावजूद मतलब मैंने बहुत मुश्किल से मेरा किसी सब्जेक्ट के अंदर 3.7 या 3.4 पॉइंट आती थी, थी बहुत ही मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी सब्जेक्ट में फोर आई होगी इन फ़िजिकल एग्जाम्स डायरेक्टली अगर मैं सब बोलूं कि अगर मैं फिजिकल एग्जाम्स के अंदर देखूं तो मेरी मैक्सिमम थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सेवन तक गई होगी ऑनलाइन के अंदर भी मेरे खाते शायद फोर में नहीं जा सकता इतना मैं पढ़ने में बेकार था एन के अंदर भी मेरे दोस्तों ने मुझे पास करने में हेल्प करी बहुत ज़्यादा मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा मैं किसी एक एग्जाम के अंदर मैथ्स का ही था मेरे मैथ्स हमेशा वीक रही है तो एक दोस्त था मेरा उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी कि भाई पेपर में मैं तकरीबन फेल होने लगा था तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट करा तो मैं बच गया वरना मैं निकल जाता उसी पेपर के अंदर भी तो और काफ़ी सेटबैक होता है आपके लिए कि एक आप जूनियर लेवल में जब आप थे जब एलिमेंट्री क्लासेस में थे आपकी काफ़ी अच्छी अच्छे अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटेज आया करती थी बट आप जब बड़े होते जाए और आपके अकेडमिकली आप, आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं आप उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं तो यही हो रहा था लेकिन एक मुझे पता था कि भाई एक साल दो साल तीन साल की बात है उसके बाद फिर पढ़ाई इतनी ज्यादा होनी है नहीं तो मैंने उस पर इतना फिर ओवर नहीं किया पाकिस्तान में आपके की जिंदगी के नमाया लम्हात किया थे अच्छा मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर तकरीबन दो ही कह सकते हैं पहली सोसाइटी मेरी आर टब्लू पी एस थी जिसके अंदर मैं अभी भी मेरे कनेक्शन हैं बट ये कि थर्ड ईयर तक मैंने उसको ज्वाइन रखा फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में कोविड आ गया था बट फिर भी हमने इतना हो सका उसको ऑनलाइन हमने कहा कि यार चलो इसको हमने ज्वाइन किया ये तो परसू करते हैं इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगे उस पर पार्ट लेंगे थोड़े बहुत कनेक्शन बने उसमें हमारे बट ये कि जब कोविड ख़त्म हुआ और उसके बाद फाइनल स्टार्ट होने लगा मेरा तो फिर मेरा जो जो मेरा मोटिव था वो सोसाइटीज़ और यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़्यादा था नहीं मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर को ही ग्रो करने में लगा हुआ था तो मुझे इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा और काम मेरे जो थे वो चलते रहे अपने फ्रीलांसिंग के बस ये था कि अकेडमिकली मुझे फेल नहीं होना किसी सब्जेक्ट में बस पास आउट पास मुझे होना किसी तरीके से और टाइम पे होना डिग्री मेरी लेट ना हो इसके अलावा मेरी एक और डिग्री एक और सोसाइटी थी उसका नाम था एन स्कॉलर्स इसको मैंने लीड किया आ, अपने फाइनल ईयर के अंदर वो एक्चुअली वो एक सोसाइटी नहीं थी बाय दैट टाइम उस वक्त तक मेरे लिए वो एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन थी और वो मुझे वहाँ पे मैंटॉर्स मिलते थे जो मुझे एक तरीके से हेल्प कर देते हैं कि आपको कहाँ लाइफ में क्या मूव मतलब कहाँ पे मूव मूव आउट करना है गाइडेंस मिल देती बट वो इतना कोई ख़ास कह सकते हैं कि सोसाइटी को उसको मैं कहूँगा नहीं लेकिन ये कि मैंने उसको जब मैं अपना फाइनल ईयर कर रहा था तो मैंने उसको एक सोसाइटी की शेप देने की कोशिश करी और एन डी एन के अंदर अब वो एज अ सोसाइटी ही मानी जाती है टू ट्वेंटी के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद से अब तक अब एन स्कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करवाते हैं और एजुकेशनल ट्रिप्स करवाते हैं स्कॉलरशिप देते हैं लैपटॉप्स देते हैं तो ये है कि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोग ये सुन रहे हैं उनको ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और जाकर अपना अपने आप को एनरोल करें काफ़ी बेनिफिशियल रहती है तो मुझे शेप करने के लिए मतलब अकेडमिकली तो नहीं मतलब एज अ पर्सन ग्रूमिंग के लिए आई ट्रिपली और एन ई कॉलेज ने मेरी काफ़ी हेल्प करी मैं चाहता तो मैं और सोसाइटीज you ज्वाइन know, कर सकता था मेरे पास काफ़ी ऑफर्स भी थी ये मेरे पास असल में टाइम था नहीं तो मैं किसी चीज़ को उस वक्त तक ज्वाइन नहीं करता जब तक मुझे मुझे पता हो कि मैं उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर सकूंगा और होल हार्टेडली मैं काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा तो इसलिए मैंने फिर उन सोसाइटीज़ को ज्वाइन नहीं किया इसमें अपना टाइम नहीं दे सकता बाकी इंटर्नशिप्स मेरी दो जगह मैंने की थी लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही की थी जब मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का हाल देखा कि भाई वहाँ तो एक तो पे बहुत कम है करते हैं भाई जो भी इंजीनियर्स होते हैं इंजीनियर्स इंजीनियर्स नहीं लगते फिर इंजीनियर्स टेक्नीशियंस नहीं लगते हैं तो मैंने ये चीज़ देखी और बाय दैट टाइम जब मैं वहां पे इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं देख रहा था कि भाई मैं उस वक्त क्या कमा रहा था एज अ फ्री और उस वक्त मैं इंजीनियर्स को देखा था तो मैं मेरे से मतलब फिर रहा नहीं गया कि भाई मैं अब मैं कंटिन्यू करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आगे मैं हर हर किस बात को नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बुरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं देखी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुरी बात बस बात इतनी सी है कि मैंने उस नजरिए से नहीं देखा जो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी तरफ फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा होता तो उसको ये चीज नहीं लगती कि यार इसमें पे कम मिल रही है या इसमें ग्रोथ नहीं है ग्रोथ इसमें है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रोथ है बट बात यह स्टार्टिंग डेज जो स्ट्रगलिंग के होता है वो हर फील्ड के अंदर होता है और कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस चीज को देखना नहीं पड़ता थोड़ा कम आपको फेस करना पड़ता है बट ये मैंने स्टार्टिंग जो स्ट्रगलिंग डेज थे वो मेरे लिए ज्यादा हेक्टिक लग रहे थे तो मैंने इसलिए इस चीज इस को प्रसू नहीं करा और जब मैं Uh, उन्हीं दिनों जब अप्लाई था जॉब के uh, जॉब के लिए फाइनल ईयर के अंदर या थर्ड ईयर के फाइनल सेमेस्टर से से लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था तो मेरे पास uh, कहीं से मुझे रिप्लाई ही नहीं आ रहा था बट uh, वो एक तरह से मेरे लिए ब्लेसिंग एंड थी मुझे पता नहीं था कि वो किसी जगह से मेरा ना एक्सेप्ट होना एक तरीके से मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि अगर मैं फाइनल ईयर के अंदर कहीं जॉब स्टार्ट कर देता तो मैं अपनी फिलानसिंग टाइम नहीं दे सकता था और मैंने अगर जॉब पे टाइम देना स्टार्ट करता था तो मैं आज वहां तक नहीं पहुंच सकता पहुंच पाता जहां पे मैं अभी हूँ तो इसलिए मैंने इस चीज पे काफी शुक्र भी अदा किया लगा कि भाई जो चीज होती है वो किसी मकसद से हो रही होती है तो मैंने अपने काफी दोस्तों को देखा उनकी सारी जॉब लग रही थी काफी अच्छी अच्छी जगह मल्टानेशनल में जॉब लग रही थी बट मुझे दो किस बात का था कि यार मैंने इतनी अच्छी अपनी सीवी को बना के रखा हुआ है मुझे एटलीस्ट रिप्लाई तक तो आया ना कि यार चलो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है आप इस पोजिशन पे आकर रिजेक्ट हो गए हो या आपका हो मेरा। मैं तक नहीं पहुंच पा रहा था तो मेरे लिए चीज देखी कि यार, मैंने अपनी फ्री करियर के ऊपर तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगा बजाय इसका कि मैं इस पे मूव करूं मैंने एक निजान मेटनशिप की थी और एक आर्टिस्टिक मिलनर्स में की थी तो दोनों जगह से मैंने ये चीज अब देखी कि ग्रेजुएट्स का क्या हाल होता है हरगेज इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेकार हैं बात सारी है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग डेज में अगर वो स्ट्रगलिंग नहीं देखेंगे तो वो आगे जाके आराम तलब हो जाएंगे आराम तलब तो उनको एक एक पॉइंट पे आगे होना है बट उनको स्टार्टिंग डेज की स्ट्रगल का नहीं पता होगा तो वो कभी भी उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे जिसमे वो पहुंच के एक नीचे देख सकेंगे तो ये बात है तो मैंने इस चीज को नेगेटिव तरीके से लिया था उस वक्त में बट देखे अब काफी सुकून होता है कि यार चलो एक अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का और अब मुझे इतना कोई रिग्रेट नहीं है कि यार जो हुआ सही हुआ और मैं बाकी उन दोनों में अपने दोस्तों को कहता था कि यार आप लोग भी मेरी तरह मैंने जब स्टार्ट किया था अपना फ्रीलांसिंग का काम तो मैं दोस्तों को भी कहता था कि आप स्टार्ट कर लो जॉब मत करना मत करना जॉब बिल्कुल भी बट उन्होंने बात मेरी सुनी नहीं और वो अभी भी मुझे कहते कि यार हम करेंगे स्टार्ट हम करेंगे और वो कर नहीं पाते पाकिस्तानी होने के नाते इटली का स्टूडेंट वीसा हासिल करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा अक्टूबर जब मैं ट्वेंटी ट्वेंटी हो रहा था जब मैं कॉन्वकेशन जिस दिन मेरी थी तो उन्हीं दिनों मैंने एक दोस्त इटली गया था और मैं मुझे उस उस बंदे का पता था कि यार ये बंदा इतना फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रांग नहीं है कि ये बंदा बाहर मूव कर सके तो आई वाज सीइंग कि यार ये कैसे चला गया तो उससे मेरा काफी दिनों बाद कॉन्टेक्ट हुआ मैंने उससे पूछा कि यार हाउ डिड यू मैनेज टू गो तो ने बोला कि भाई uh, इतनी कॉस्ट नहीं लगती तकरीबन टू पॉइंट फाइव टू थ्री लैक्स लगते हैं आपके फॉर द प्रोसेस मैक्सिमम वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं तो फिर मैंने उससे डिटेल में बात पूछी तो पता चला कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है a, a them, कि आपका एडमिशन अच्छा है अब मेरी जी पी थ्री पॉइंट जीरो समथिंग कुछ थी सो आई वॉज एट दैट थ्री मैंने कहा चले ट्राई करके देखते हैं तो मेरा एडमिशन आ गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना से लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त मैंने देखे जिनकी फ्री तो गया टू पॉइंट फाइव तक नहीं थी उनका भी एडमिशन आ चुका था तो यू कैन गेट एडमिशन उसका मसला नहीं है बात फिर आती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर अब आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो कि आपको वीजा के लिए चाहिए जैसे कि आपकी

यू नो फाइनेंसिंग यू आप इतने कह सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंसिंग आप कर सकते हो तो आ, ये सब चीज़ें थी जो इटली के लिए मुझे नेसेसरी चाहिए थी तो वो मुझे अक्टूबर के बाद से मैंने जब उसके अंदर इंडर, इंटरेस्ट शुरू किया और जनवरी में मैंने अप्लाई किया एक जगह यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना में मुझे एक्सेप्टेंस मिली और मार्च में, में मेरा एडमिशन लेटर आ गया था तो मैंने जुलाई में वीज़ा अप्लाई किया क्योंकि यूजली जुलाई में वीज़ा ओपन होता है और I was able to get the visa in September 2024, 2023, and I was there in Italy on 1st October 2024, 2023, sorry. So, yeah. So, Italy is a very feasible way to get out of country and to get education. And if you want to stay in Italy, you want to stay in Europe. और इफ़ यू वॉन्ट टू मू मूव लाइक इफ यू टू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री विदाउट हैविंग अ लॉर्ड ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन सेट्स एटली फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन दैट्स वाई रेज्रक्शन काफी ज्यादा आ रही हैं लोगों की बट okay, so, uh, लोगों की प्रोफाइल इनकम्प्लीट होती हैं लोग Documents, documents होते हैं, तो इसी वजह से वो लोग भी कर हैं और फिर इटली में तो काफी रिजेक्शन आ रही है so, so so, लोग अपलाई करेंगे बट उनको देने इतनी ही विजाज है सो द रेशो लो क्योंकि एप्लीकेंट ज्यादा हैं और वीजा फिक्स है तो ये सिनेरियो होता है तो इस वजह से अगर आपका आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं फॉर इटली सो यू कैन गो टू यू कैन गो टू इटली बट इफ यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट्स

बस आपके पास फाइनेसिंग होनी चाहिए उम्मीद है इंटरव्यू आप लोग को पसंद आएगा अगर आया है तो जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहते है। हैं फिर मिलते हैं इनशाला अगली वीडियो में असला